हेलो गाइस, आज हम घर पर बनाने वाले हैं चिकन हांडी रेसिपी, जो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि चिकन के अंदर प्याज अच्छी तरह से पक नहीं पाते हैं। आपको एकदम स्मूथ ग्रेवी बनाकर दिखाएंगे और एकदम ट्रेडिशनल तरीके पर बनाना सिखाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये हमने 1 kg चिकन ले लिया है। अच्छी तरह से इसको धुलने के बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है इसके अंदर, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है, और 1 चम्मच नमक डाल देना है, और 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हमने दही डालना है, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर देना है, और हमने प्याज 2 से 3 पीस ये फ्राई करके रखा हुआ था, अच्छी तरह से इसको क्रश करके डालना है। इससे इसका ग्रेवी बहुत स्मूथ दिखेगा और कलर बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। और ये हमने 1 कप सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से जितने गरम मसाले होते हैं, मीट मसाले, ये सारे 1-1 चम्मच हम डालते जाएंगे इसमें। ये देखिए 1-1 चम्मच सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर ये हमने 1/2 किलो प्याज अच्छी तरह से कट करके रखा हुआ था, ये प्याज भी इसके अंदर देखिए हमने ऐड करना है। इसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद वो प्याज हम जो कट करके रखे हैं, ये सारा प्याज इसके अंदर डाल देंगे। और ये हमने प्याज अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेने के बाद हरी मिर्च इसके अंदर 8 से 10 पीस डाल देने हैं। अब इसको मिक्स करके ढक करके इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे, और ये कोयला हम जलाएंगे कढ़ाई में। अच्छी तरह से जब हीट आ जाएगा फिर धुलने के बाद ये हांडी इस पर रख देनी है, और जब खूब अच्छी तरह से गर्म आ जाए तो इसके अंदर सरसों का तेल 1 कप के करीब इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए हमने इसके अंदर तेल डाल दिया है, और तेज़पत्ता, और ये छोटी इलायची 3 पीस, और दालचीनी लकड़ी, और लौंग 1 चम्मच, और 1 चम्मच काली मिर्च, और 1 चम्मच इसके अंदर जीरा डाल देना है। अच्छी तरह से जब हीट हो जाए, पक जाए, ये सारा जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, सारे मसाले इसके अंदर सब डाल देंगे एक साथ। ये देखिए हमने ये सारा चिकन इसके अंदर डाल दिया है। बस ये ध्यान दें इसका टेम्परेचर लो ना होने पाए, जो कोयले का टेम्परेचर है। ये देखिए सारा हमने इसके अंदर चिकन डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से पक करके 10 मिनट तक पकाएंगे। जब अच्छी तरह से हीट आ जाएगा फिर इसको पैक करेंगे। ये हमने 6 से 7 पीस लाल मिर्च ले लिए हैं, और 5 से 6 पीस हमने इसके अंदर काजू ले लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे आटों से, कि एकदम इसका जो प्रेशर है निकल ना पाए। अच्छी तरह से पैक कर देंगे इसमें हम। अब इसको दबा देना अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से इसको हमने पैक कर दिया है। अब इसके अंदर नीचे का कोयला उठा उठा करके ऊपर रख देंगे, इसे दोनों टेम्परेचर नीचे ऊपर बराबर हो जाएगा, और अच्छी तरह से ये पक जाएगा। ये देखिए इसको चला चला करके 10-10 मिनट पे इसको हिला देना है अच्छी तरह से। इसको खोल के चलाया नहीं जाता है। अब सारा कोयला इसके अंदर से हटा देंगे। अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। ये देखिए बहुत ही सावधानी से इसको खोलना है। और ये देखिए हमने जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, और पाउडर बनाने के बाद इसके अंदर इसमें डाल देना है। इससे इसका स्मेल और बढ़ जाएगा मसालों का। और ये धनिया पत्ता हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 बूंद के आसपास हमने इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालना है, इससे इसका खुशबू और बढ़ जाएगा और इसका टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में आ जाएगा। ये देखिए बन करके अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। और अगर आप को मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले रेसिपी में कुछ और इससे यूनिक रेसिपी लेकर के।